हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑर्डर। गाइस, लास्ट वीडियो में मैं पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट पे उस पर क्वेश्चंस करवाया था, है ना। और मैं बोला था नेक्स्ट वीडियो में मैं वेक्टर प्रोडक्ट शुरू करूँगा। ओके, तो चलो आज की वीडियो में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट शुरू करते हैं, और उसमें जो भी थ्योरी कॉन्सेप्ट हैं वो आज हम लोग पढ़ लेते हैं। चलो जी, देखो हेडिंग क्या है आज हम लोग का, वेक्टर प्रोडक्ट। हेडिंग है अपना क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, और इट ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। चल, मतलब इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग उस दिन ही सीख लिए थे। देखो, कोई वेक्टर ए है और उसके बीच में मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस लगा हुआ है। वेक्टर ए है उसके बीच में मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस लगा हुआ है, और इसको पढ़ते क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये जो क्रॉस लगा है, इसलिए इसको वो नाम दिया गया है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। और जिसका रिजल्टेंट आने वाला है, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आने वाला है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है। कैसा क्वांटिटी आने वाला है, वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जो रिजल्टेंट इसका आने वाला है वो वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है। इसलिए रिजल्टेंट क्वांटिटी जो आने वाला है वो वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है। इसका मतलब ये भी एक वेक्टर है, है ना। दैट इज वाई इसका एक और नाम क्या दिया गया, वेक्टर प्रोडक्ट। और उसमें स्केलर क्वांटिटी आता था, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए थे, है ना। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, इसका नामांकन हम लोग कैसे करते थे वो सीख लिए थे, है ना। चलो देखो आगे हम लोग आज क्या सीखते हैं। इसमें क्या दिया, जैसे वहाँ पे हम लोग सीखे थे मल्टीप्लिकेशन में, मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, है ना। तो आ जाओ, तो ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी जो होगा, डैट इज ए, डैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी डैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। अभी एन कैप लिख लो, क्या होता है एन कैप मैं बताऊंगा। देखो, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और ये भी मैग्नीट्यूड है। ये एन कैप जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, है ना। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ए बी क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड होगा, और ये साइन थीटा भी मैग्नीट्यूड है। तो ये सारे चीज़ तो क्या हो गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कि जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है उसका मैग्नीट्यूड होगा, और दिस विल बी अ डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सा वेक्टर से डिनोट करते थे, यूनिट वेक्टर से डिनोट करते थे। एन कैप इज हियर यूनिट वेक्टर, एन कैप इज हियर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों का परपेंडिकुलर है। अब वो कैसे डिटरमाइन करेंगे से देखो। सबसे पहले ये समझ में आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर जो आने वाला है ए क्रॉस बी से, उसका ये मैग्नीट्यूड होने वाला है वेक्टर का। मतलब अगर हम यहाँ से बात करें, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो क्या होने वाला है, ए बी साइन थीटा। ओके, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होने वाला है साइन थीटा होने वाला है। और डायरेक्शन क्या डिनोट करेगा, एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। वो कैसे डिटरमाइन करेंगे समझ लो, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन में बेसिकली एन कैप। तो देखो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, आ जाओ। ये तो समझ में आ गया, टू फाइंड, हेडिंग डालो क्या, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर। टू फाइंड, या लिखो रूल, रूल टू फाइंड द डायरेक्शन
ऑफ यूनिट वेक्टर, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर जो है एन कैप उसका डायरेक्शन फाइंड करना, जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे सर, ध्यान दो, पहले हम कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं उसके बाद लिख देंगे। क्या करना है कि करना क्या है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी करना है तो राइट हैंड को पाम को, ठीक है, वेक्टर ए पे प्लेस करो सच डैट जो तुम्हारा फोर फिंगर है उसको कर्ल करना है, कर्ल करना है किधर से, पाम को प्लेस किए वेक्टर ए पे कर्ल करना है सच डैट बी के साइड में जाए, क्योंकि क्रॉस किसके साइड में करना, तो ए क्रॉस बी, तो ये जो थंब होगा डैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो राइट हैंड का पाम किससे प्लेस करना है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, और फोर फिंगर को कर्ल किधर करना है, वेक्टर बी के डायरेक्शन में, और जो हमारा राइट हैंड थंब जो दिखाएगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो रूल में क्या था भाई, फर्स्ट रूल क्या बोले हम बताओ, फर्स्ट रूल बोले प्लेस द राइट हैंड पाम, ठीक है, प्लेस द राइट हैंड पाम इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्लेस द राइट हैंड पाम इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, कर्ल ये भी करना इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कर लिए, कर्ल द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर, कर्ल द फोर फिंगर टुवार्ड्स वेक्टर बी, है ना। तो थर्ड रूल क्या था, राइट हैंड थंब will give the direction of n cap, समझ में आया, बोलो आया कि नहीं आया, राइट हैंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, समझ में आ गया, ओके। तो ये रूल था, आपको लिख लेना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा, है ना। चलो जी, अब देखो, मतलब एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, जो वेक्टर ए, अब देखो मेरे अंगूठे को देखो, राइट हैंड थंब को देखो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है या नहीं है, मतलब ये अगर देखो मार्कर के अगर देखो तो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, इसलिए मैं लिखाया था एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। या यू कैन से वेक्टर ए और वेक्टर बी एक प्लेन में लाई कर रहा है, तो वेक्टर जो एन कैप होगा डैट विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर, डैट विल बी परपेंडिकुलर टू डैट प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा यूनिट वेक्टर हमारा, है ना। चलो, तो ये चीज़ें थी हम लोग को समझ में आ गई, है ना। चलो अब आगे आते हैं, ए क्रॉस भी हम लोग लिखना सीख गए, है ना। यहीं से अगर ए क्रॉस बी से आपको बोला जाए कि बताओ भाई ए क्रॉस बी, तो हम लोग लिख देते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप, ओके, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो व्हाट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का, अगर बोल दिया जाए आपको ए क्रॉस बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बोला जाएगा, तो क्या करोगे भाई बताओ, मैग्नीट्यूड मैक्सिमम बोल रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ए बी साइन थीटा होना चाहिए मैक्सिमम, ए बी साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ए बी साइन थीटा मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, साइन थीटा को मैक्सिमम होना चाहिए,
और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, इसलिए ए बी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ब्रैकेट में लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एट थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, है ना, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वही अगर बोले ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू, ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू, तो क्या करोगे बताओ, ए क्रॉस बी का मिनिमम वैल्यू बोलेगा तो क्या करोगे, तो मिनिमम वैल्यू के लिए ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है साइन मिनिमम वैल्यू लेना है, यानी इसका साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू लेना है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू लेना है, है ना, तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू लेना, तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, सोचो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। बोलेगा सर साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू तो माइनस वन होता है। हाँ जी, माइनस वन तो होता है, बट ये माइनस वन कहाँ पर होता है, थीटा इज इक्वल टू कितना पे होता है, माइनस 90 डिग्री पे होता है। तो क्या एंगल बिटवीन द वेक्टर माइनस 90 डिग्री होता है, अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर की बात किया जाए तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता था, याद कर लो जीरो से पाई के बीच में लाई करता था, जीरो से पाई के बीच में लाई करता था। तो अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर जीरो से पाई के बीच में लाई करता था तो ये तो माइनस 90 है, तो ये तो नेगेटिव एंगल है, यानी ये नहीं होगा, यानी जीरो से पाई के बीच में साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो से पाई के बीच में साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो देखो अगर ये जीरो है और ये पाई है तो जीरो से दोनों क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि हर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है दोनों क्वाड्रेंट में, यानी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा इस। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा, एट थीटा इज इक्वल टू व्हाट 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ ध्यान रखना कि थीटा कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, थीटा शुड बी बिटवीन जीरो से पाई, और मिनिमम के लिए जीरो से पाई कहाँ पे होगा, जीरो पे ही हो सकता है, है ना, तो यहाँ से हो गया क्या, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, यानी ए क्रॉस बी जो होगा मिनिमम वो क्या आ जाएगा, जीरो वैल्यू। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से रेंज लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब हम लोग यहाँ से एक रेंज लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, बताओ ए क्रॉस बी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन से जीरो से वन के बीच में लाई करेगा, है ना, रेंज हो गया ये। ठीक है, ए क्रॉस बी का वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली वहाँ पे ए डॉट बी कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, बताओ ए डॉट बी का जो वैल्यू था वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, बताओ, यहाँ मॉडुलस साइन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी सिर्फ लिख रहा है, ए क्रॉस बी का जो वैल्यू रहेगा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो माइनस ऑफ सॉरी यहाँ से माइनस ए बी रहेगा ना, जीरो से ए बी, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ ए बी से प्लस ऑफ ए बी के बीच में लाई करेगा, ये था, है ना। चलो जी, तो ये तो हमारा था रेंज बता लिए हम लोग। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की चर्चा हम लोग कर लिए, अब आ जाओ जो उसमें पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट में, कि डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता था कमोटेटिव लॉ को, क्या यहाँ पे देखते हैं कमोटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या यहाँ पे इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू होगा, अभी मैं चर्चा सिर्फ बोल रहा हूँ इक्वल टू होगा या नहीं होगा, अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, ये ए है, ये बी है, ओके, ये ए है और ये बी है, ये थीटा एंगल है। अब अगर ए क्रॉस बी बोल रहा है तो ए क्रॉस बी आप लोग करो, तो वेक्टर ए पे फॉर्म रखे ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में, अब बी क्रॉस ए करो तो वेक्टर बी देखो फॉर्म ऐसे रखो क्रॉस ए इस इन टू द प्लेन है और एक आउट ऑफ द प्लेन है, दोनों वेक्टर क्या एक है, बिल्कुल एक नहीं, एक है, दोनों ठीक अपोजिट है एक दूसरे से,
इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डज नॉट फॉलो, डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, है ना। यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, समझ में आ गया ये चीज़। चलो जी अब नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, अब देखो हम लोग अब ए क्रॉस बी जो पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। हम लोग ए क्रॉस बी अब किसे पढ़ने वाले हैं, कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। जब वेक्टर ए और बी कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा, किस फॉर्म में दिया रहेगा, कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा तब, ठीक है कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा तो पढ़ने वाला है कि क्या होने वाला है। तो चलो ऐसा है, वेक्टर ए को ले लिए, जैसे वहाँ पे लेते थे ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ओके। वेक्टर बी को ले लिए, वेक्टर बी बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, लिख लिए। अब मेरे को लिखना है क्या, ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इस चीज़ को समझने के लिए देखो आई कैप जे कैप वगैरह आ गया है, तो मैं एक चीज़ पढ़ लेता हूँ उससे पहले, है ना, ये साइड में देख लेता हूँ कि एक आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, आई कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ठीक है, इस तरीका से हो सकता है। आ जाओ आई कैप क्रॉस आई कैप, देखो भाई रेड वाला पेन को मान लेता हूँ मैं पॉजिटिव एक्सिस, डैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डैट इज आई कैप। ग्रीन वाले को मैं मान लेता हूँ क्या, जे कैप, और ब्लैक वाले को मान लेता हूँ के कैप, ओके। अब देखो आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई तो इस डायरेक्शन में हो गया, क्रॉस जे कैसे बोले थे, इस तरीके से इसको प्लेस करो, अपने पाम को इस तरीके से प्लेस करो, देखो पाम इसको बोलते हैं, तो पाम को अपना इस तरीके से प्लेस करो ताकि अपना फोर्थ फिंगर को दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल कर सको। तो वेक्टर ए आई को मतलब एक्स एक्सिस के साइड में आई कैप के साइड में प्लेस कर दिए, दिख रहा होगा आपको, देखो आई कैप के साइड में प्लेस कर दिए, और किसके और किधर मुड़ना है, जे के तरफ, जे के तरफ मुड़े तो मेरा अंगूठा किस डायरेक्शन में दे रहा है, के कैप में, यानी मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाता है, के कैप, है ना। चलो नेक्स्ट जे कैप क्रॉस, नेक्स्ट में क्या करा, जे कैप क्रॉस के कैप, नेक्स्ट में क्या करा, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कौन सा है, ये है, पाम को इस तरीके से रखो और के साइड में मोड़ना है, तो कौन सा आ गया बताओ, देखो ये कौन सा है, आई कैप, यहाँ से लिख देंगे आई कैप। सिमिलरली के कैप क्रॉस आई कैप, के कौन सा, ये क्रॉस आई, तो पाम को इस तरीके से रखना है क्रॉस आई, तो कौन सा आ गया, जे। चलो जी नेक्स्ट, अब देखो क्या है, आई कैप क्रॉस आई कैप मतलब आई और आई दोनों सेम है, तो अभी बताया क्या कि अगर आई सेम है तो देखो ये दोनों वेक्टर इसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि दो वेक्टर को मैं इसी डायरेक्शन में लाई करवा देता हूँ, ठीक है, दोनों वेक्टर को मैं इसी डायरेक्शन में लाई करवा देता हूँ, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप जीरो, के कैप क्रॉस के कैप जीरो, मतलब आई को आई के साथ अगर क्रॉस करते तो जीरो होगा, सिमिलरली डॉट में आई के साथ आई करते थे तो वन होता था, तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्या आप लोग हर हमेशा ऐसे ऐसे करोगे, निकालते रहोगे, नहीं, आपको एक सिंपल सा रूल ध्यान रखना है, क्या ध्यान रूल है वो देखो, क्या रूल है वो ध्यान से देखो, सिंपली है क्या, आई जे
और k, ये एक सर्किल है, ठीक है। तो इस सर्किल को एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, इस सर्किल को एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी दिया हुआ है ना। अब अगर इस सर्किल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो आई के बाद कौन आता है, जे। तो आई क्रॉस जे कौन सा आ गया, के। आई क्रॉस जे कौन सा आ गया, के। जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के कौन सा आ गया, आई। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कौन सा आ गया, जे। तो इस तरीके से आप लोग इसको इस सर्कल से निकाल सकते हो जल्दी से। आई के बाद कौन सा आ गया, जे। तो आई क्रॉस जे आ गया के, जे क्रॉस के आ गया आई, और के क्रॉस आई आ गया जे, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीका से दिया रहता, मान लो इस तरीका से दिया रहता कि के क्रॉस आई, सॉरी के क्रॉस जे, के क्रॉस जे अगर है, तो के क्रॉस जे अगर है तो देखो, तो के क्रॉस जे तो बीच में ये आता है, यानी के क्रॉस जे के लिए उल्टा चलना पड़ेगा। तो के क्रॉस जे के लिए उल्टा चलेंगे तो आई आएगा, लेकिन माइनस आई लिख देंगे, है ना, क्योंकि डायरेक्शन हम लोग चेंज कर दिए, इसलिए माइनस आई कैप। अब अगर नहीं देखना तो इधर से भी देख सकते हो भाई, चलो कौन सा है, के क्रॉस जे, के ये है, ठीक है, के ये है। तो के क्रॉस जे देखो कौन सा डायरेक्शन दे रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्सिस को क्या डिनोट से कर सकते हैं, माइनस आई कैप से डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ट्रूथफुल चीज़ था जिसको याद कर लेना चाहिए, है ना। चलो आप देखो, अब देखो क्या है कि अब हमको ये निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे भैया, देखो क्या करना है इसको, इसके लिए क्या करना है, आपको एक डिटर्मिनेंट आपको लिखना पड़ेगा, मैं उसको सॉल्व करना दिखाता हूँ, है ना। क्या है डिटर्मिनेंट में, एक आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा मॉडुलस जैसा, ठीक है। और आई कैप जे कैप के कैप लिख देना पड़ेगा पहले, आई कैप जे कैप और के कैप, ओके। और क्या करेंगे, नेक्स्ट रो में लिखेंगे, ये फर्स्ट रो हो गया ये, नेक्स्ट रो में वेक्टर ए लिख देंगे, दैट इज ए वन ए टू एंड ए थ्री। इसका सिमिलरली बी वन बी टू एंड बी थ्री। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। अब वो कैसे करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे करता हूँ मैं, ठीक है, समझ लेना इस चीज़ को ध्यान से, इसी में बच्चा गलती करता है। मैं क्या कर रहा हूँ, आई कैप को ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आई कैप को ले रहा हूँ, चलो आई कैप को ले लिया। लेकिन जिस कैप को लिया है, जिस वेक्टर को, जैसे फर्स्ट, इसको बेसिकली इस चीज़ को बोलते हैं रो, और जो ये है इसको बोलते हैं कॉलम, मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पार्ट को बोलते हैं रो और वर्टिकल पार्ट को बोलते हैं क्या, कॉलम, ओके। तो अगर हम रो वाइज सॉल्व कर रहे हैं, आगे मैथ्स में 11th क्लास में पढ़ना है आपको, 12th में भी पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स, है ना। तो यहाँ से देखो, जो लोग 12th पढ़ा, सॉरी अभी तो 11th में ही है, तो जो लोग पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ बताना चाह रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है ना, ठीक है। देखो ठीक है, देखो तो फर्स्ट रो को लिए, आई कैप को लिए, तो मतलब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी बचा कौन सा, ये चार एलिमेंट, बाकी ये बचा चार एलिमेंट बचा ना। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री माइनस करना है बी टू या ए थ्री बी टू से, ओके। अब ये आ गया सेकेंड, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस लिखना है, क्यों माइनस लिखना है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस लिखना है ब्रैकेट जे कैप। अब इसमें सिमिलरली क्या करना है, सेकेंड फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, मतलब ये एलिमेंट आ गया, इसको तो छोड़ना है हम लोग को, है ना, इसको तो हम लोग को छोड़ना है, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ए वन बी थ्री, ए वन बी थ्री माइनस ऑफ ए थ्री बी वन,
ए थ्री बी वन। सिमिलरली प्लस ब्रैकेट के कैप, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, के कैप में आ गया तो इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी क्या बचा ये, तो क्या करोगे ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो देखो आया एक वेक्टर आया कि नहीं आया, इसलिए ए क्रॉस बी को अगर इस तरीके से तुम सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट मेथड से तो आपको आ जाएगा क्या, एक वेक्टर आ जाएगा, है ना। अब देखो बोला यहाँ पे क्या कि सर यहाँ पे आप माइनस क्यों लिख दिए, यहाँ पे बाकी जगह पे आप माइनस नहीं लिखे, तो सिंपल सी चीज़ है, जब हम लोग जब पढ़ोगे डिटर्मिनेंट में तुम लोग सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे करते हैं। अब ये यहाँ पे आई प्लस जे नहीं है, यहाँ पे आई जे क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ, आई इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रोज एंड जे इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉलम, ओके। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मतलब वन प्लस वन इज टू, तो माइनस वन टू द पावर टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे प्लस आई आया। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो वन प्लस टू दैट इज थ्री, माइनस वन टू द पावर थ्री क्या आ जाएगा, माइनस वन, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। सिमिलरली अगर इसका देखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे क्या फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो वन प्लस थ्री डैट इज वन प्लस थ्री डैट इज फोर, तो माइनस वन टू द पावर फोर डैट इज पॉजिटिव आ गया। तो ये सारे ये चीज़ें थी। अभी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, अगर ये फार्मूला भी अगर आप याद कर लेते तो सही है, ठीक है। समझ में आया आपको या नहीं आया, एक और तरीका है जिससे इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना इसको याद करने की ज़रूरत, मैं बताऊंगा लेकिन आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे उसको, क्योंकि अगर उसको बताएंगे तो फिर जो मेन चीज़ है उसको तुम भूल जाओगे, इसलिए मैं यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया, समझ में आया आपको, हाँ जी आया, तो ये हो गया ए क्रॉस बी आप लोग निकाल सकते हो, है ना। चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसका, ए क्रॉस बी निकाल कर दिखाता हूँ आपको, है ना। एक क्रॉस बी निकाल कर दिखाता हूँ, देखो एक क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ये वेक्टर ए हो गया, मान लो दिया हुआ है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। वेक्टर बी है जो दिया हुआ है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप, मान लो, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बोले थे भाई हम लोग, ए क्रॉस बी सॉल्व करना, एक डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर ए को लिख दो कंपोनेंट को, टू थ्री फोर, टू थ्री माइनस फोर। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या बोले थे, माइनस वन टू द पावर नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम, इसको लिख दो ऐसे, ये माइनस वन टू द पावर एन प्लस एम, वेयर एन इज नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो एंड एम इज नंबर ऑफ कॉलम, है ना। तो माइनस वन टू द पावर, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है, इस एलिमेंट का नंबर ऑफ रोज क्या है, एक, नंबर ऑफ कॉलम क्या है, एक, तो माइनस वन पर पावर टू डैट इज प्लस, तो यहाँ से हो गया क्या आई कैप। अब इसके अंदर में क्या लिखना है, इस रो को तो छोड़ देंगे, मतलब इस रो को छोड़ देंगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस दोनों को सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, माइनस ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व डैट इज माइनस ट्वेंटी फोर लिख सकते हैं, माइनस ट्वेल्व एंड माइनस ट्वेल्व डैट इज माइनस ट्वेंटी फोर आई कैप। आप यहाँ से देखो सेकेंड रो, तो इसका करेंगे तो माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू माइन वन फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम डैट इज माइनस आ जाएगा, यहाँ से माइनस ऑफ जे कैप। क्या करेंगे इसमें देखो, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, तो ये बचा और ये तो चार एलिमेंट बचा, इसको सॉल्व करना था टू टू जा फोर टू जा एट माइनस एट एंड माइनस एट डैट इज माइनस ऑफ सिक्सटीन जे कैप, ओके। फिर लिखना है क्या, प्लस के कैप, प्लस के कैप, के कैप में इस रो को इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को छोड़ना, यानी थ्री टू जा सिक्स और थ्री टू जा सिक्स, यानी सिक्स माइनस सिक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस ट्वेंटी फोर आई कैप माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन जे कैप एंड डैट इज जीरो के कैप,
यानी जो मेरा वेक्टर रिजल्टेंट आया ए क्रॉस बी का जो आया, और रिजल्टेंट वेक्टर वो ये आया कि नहीं आया, देखो एक वेक्टर आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को निकाल लिए, है ना। तो ये ही एक तरीका है आपको अगर कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर दिया है तो ए क्रॉस बी निकालने का, ठीक है। और आपको इसको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके चलो, और अब हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसमें, है ना। हम लोग इसे पढ़ लिए थे, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पढ़ लिए थे, है ना। ओके, यहाँ से क्या हमसे पूछा जा सकता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर बताओ क्या होगा। अगर ए क्रॉस बी दिया हुआ ए बी साइन थीटा एन कैप, तो अगर यहाँ से आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर पूछा जाए तो क्या करोगे बताओ। अगर यहाँ से आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर पूछा जाए तो क्या आप लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, ये लिख सकते हैं क्या। इसलिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी, अंडरस्टूड। साइन थीटा यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से यहाँ से भी एंगल बिटवीन द वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सर एन कैप क्यों नहीं लिखे, देखो दोनों तरफ से हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वेट किए हैं, है ना। तो साइन थीटा यहाँ से हो गया क्या, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर। ओके, एंगल बिटवीन द वेक्टर, यहाँ से भी एंगल बिटवीन द वेक्टर आप फाइंड कर सकते हो। ओके चलो, ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो अगर यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए दिया हुआ है तो क्या होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए मतलब एक वेक्टर ए यही है, दूसरा वेक्टर भी ए यही है, तो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, इसलिए ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 एन कैप, 0 एन कैप। एन कैप वाट हो जाएगा, देखो ये वाला बाहर वाला, है ना। या एन कैप को कोई और डायरेक्शन, जीरो वेक्टर का कोई और डायरेक्शन ले सकते थे, ये भी ले सकते थे। जीरो वेक्टर जब बताए थे तो बताए थे डायरेक्शन इसका क्या होता है, डायरेक्शन लिखना बताए थे ना, क्या बताए थे डायरेक्शन, कि हम लोग इसका कोई भी डायरेक्शन को लिख सकते हैं, है ना, आर्बिट्री डायरेक्शन बताया था, ठीक है। तो ये हो गया ए क्रॉस बी निकालना सीख गए हम लोग, डिटर्मिनेंट फॉर्म से कंपोनेंट फॉर्म से लिखाना सीख गए। ओके जी, अब इसमें हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं, पहले 1 मिनट में देख लेता हूँ वीडियो कितना मिनट का हुआ है। वीडियो 33 मिनट्स का हो गया, मेरे पास 7 मिनट्स टाइम और है, है ना। तो और हम लोग देख सकते हैं, चलो देखो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मैं बता देता हूँ उसे, और मैं सोचा तो था कि उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, बट नहीं, मैं वहीं यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वेक्टर प्रोडक्ट पे, एंड आफ्टर दैट एक वीडियो और मैं करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा सिर्फ प्रीवियस ईयर जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर पूरा रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, वेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा। चलो आ जाओ, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, जैसे वहाँ पे पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे भी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो सकता है, ए क्रॉस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी, यही तो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो इसको एक मान लो वेक्टर है आर, इसको लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस आर लिख सकते हैं ना, आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसको, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस ए क्रॉस वेक्टर सी, यानी कि
ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग ये ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं। सो यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ना सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रॉस प्रोडक्ट किसको फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है ना। चलो सब ये सब स्टार मार्कर पॉइंट लिखते जाना, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो ए क्रॉस बी का जो बेसिकली मैग्नीट्यूड है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। इट रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मान लो एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग अगर वेक्टर ए को अगर इधर पैरेलल शिफ्ट करवा दें और वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट करवा दें, तो देखो क्या होता है, ये पैरेललोग्राम ही तो फॉर्म होता है। तो जो ए क्रॉस बी जो होगा वो रिप्रेजेंट किसका बताएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या बताएगा? तो मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि किसी पैरेललोग्राम का एक साइड वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा साइड वेक्टर दिया है, पूछा एरिया, तो निकाल सकते हैं। और यू ऑल्सो नो यहाँ पे ए क्रॉस बी एक क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी आता है। और यू नो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक अगर आप लोग नहीं सीख जानते हो कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं बता दूँ कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे मैं पढ़ाऊँगा जब प्रेशर व फोर्स मैं बताऊँगा, तो है ना। चलो तो इस चीज़ को लिख लेना, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट्स बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सारा कुछ हम लोग बता दें। चलो देखो अब मैं यहाँ पे दो चार मिनट में लेता हूँ और मैं बता ही देता हूँ वो जो कॉन्सेप्ट है कि यूजेज ऑफ, या बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। या मैं इसे एक अलग वीडियो में बता दूँ, अभी ही बताता हूँ मैं इसको अलग वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। चल छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वो वीडियो, छोटा सा वीडियो होगा, इसको भी मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। बाय।